Good morning students, I am Sunita Maloda, 4th class nursery, and today we are going to learn subject Hindi. Dear students, इससे पहले आप अह तक पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे क. पहले आपने लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से लाइन खींचनी है और ऊपर से ऐसा सर्कल में बनाना है और इसको यहाँ से नीचे से इस तरह से टच करना है और ये आपका बना क. क्या है क? यहाँ पर भी आपने इसी तरह से ऐसे बनाना है, ये आपका है क. फिर आप यहाँ पर भी पहले डंडी खींचेंगे, फिर ऊपर से और फिर नीचे से इसको यहाँ तक लाएंगे और आपका ये बना क. क्या है ये क? वैसे वैसे आप लिखेंगे और मुंह से उच्चारण करते रहेंगे और आपने क्या लिखा है ये क. क्या है क? जैसे आपने ये लिखा है उसके नीचे भी आपने ऐसे ही लिखना है. पहले आपने डंडी खींचनी है, फिर ऊपर से इस तरह से और यहाँ से ऊपर की तरफ अपनी पेंसिल को घुमाना है और यहाँ पे टच नहीं करना है और क बनाना है. फिर जिस तरह से आपने ये बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे भी क लिखना है. पहले डंडी, फिर ऊपर से इस तरह से सर्कल और इस तरह से क्या बनाइए क. यहाँ पे भी आपने क बनाना है. क्या है ये क? जैसे आपने ये बनाया वैसे आपने यहाँ पे भी क बनाना है. ये है आपका क. इस तरह से आपने क लिखने हैं. ये आपका रिटर्न वर्क हो गया है और इसके बाद जब आपका रिटर्न वर्क हो जाएगा फिर आपने इसको लर्न करना है. देखिए क 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 से क्या होता है? कबूतर होता है. ये है क से कबूतर. फिर आप इसको पिक्चर के माध्यम से भी पढ़ेंगे समझेंगे. जैसे क से कबूतर, 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 क से कबूतर. इस तरह से आप पिक्चर देखेंगे. क्या है ये? कबूतर की पिक्चर है. क्या होता है? क से कबूतर. और अपने नोटबुक में अच्छे से सुंदर से हैंडराइटिंग में इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.